तो यार आज मैं अपने पुराने सीपीयू को अपग्रेड करने वाला हूँ गेमिंग पीसी में, वो भी 5000 रुपए में। और इस पीसी में कई सारे गेम खेलने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल GTA 5, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट को तो मैं विद रिकॉर्डिंग में आपको चला के दिखाऊंगा। और ये सारे जितने भी टेस्ट मैं करूंगा ना बिना ग्राफिक कार्ड के, बिना, वो भी लाइव टेस्ट, आप लोग खुद ही देखिएगा। तो यार बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज में आपको इजी में बताने वाला हूँ। तो किस तरीके से आज हम अपग्रेड करेंगे पुराने ड्यूअल कोर पीसी को i5 में अपग्रेड करेंगे, और क्या क्या सामान मैं अपने पुराने सीपीयू को यूज करने वाला हूँ, और क्या क्या सामान मैं न्यू यूज करने वाला हूँ, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और वो भी सिर्फ 5000 रुपए में। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर लो वीडियो को लाइक, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो हमारा पुराना सीपीयू है उसके अदर लगा है ड्यूअल कोर प्रोसेसर, एक G31 मदरबोर्ड और एक DDR2 रैम, जो कि हमारे यूज में नहीं आने वाले है। तो हम इन तीनों सामान को निकाल देंगे, और अब मैं आपको जो जो कंपोनेंट बता रहा हूँ आपको वो कंपोनेंट आपको अपने सीपीयू में इंस्टॉल करना है। तो यार जल्दी से मैं अपने सीपीयू से ये तीनों कंपोनेंट मैं निकाल लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट्स आपको अपने पीसी के अंदर आपको लगाने हैं। तो यार फाइनली मैं अपने सीपीयू से वो तीनों कंपोनेंट को मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से कंपोनेंट आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं। और यार सभी कंपोनेंट का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बट यार आपको ऑनलाइन परचेज करने से पहले एक बार आपको ऑफलाइन मार्केट भी चेक कर लेना है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में कई सारे कंपोनेंट बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो आपको पहले ऑफलाइन मार्केट चेक करना है, इसके बाद आपको ऑनलाइन पर आना है। और जितने भी सारे कंपोनेंट का लिंक मैंने दिया है आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप परचेज कर सकते हो, जो कंपोनेंट आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो यार सबसे पहले जो कंपोनेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है प्रोसेसर। तो मैं प्रोसेसर कौन सा यूज़ करने वाला हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ i5 का थर्ड जनरेशन बेस i5 3470, और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, यानी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 4 कोर 4 थ्रेड। और ये प्रोसेसर GT5 खिलवाने की कैपेबिलिटीज रखता है। और इस प्रोसेसर का अगर बेस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो आपको 3.2 GHz देखने को मिल जाता है, और बूस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो आपको 3.6 GHz देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं इसका प्राइस की बात करूं तो ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 1500 से 2000 के बीच में। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मैं यूज करने वाला हूँ जिब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला H61 मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड हर वो स्लॉट ऑफर करता है जो कि एक मदरबोर्ड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर HDMI पोर्ट है, PCIe X16 स्लॉट है। और मैं आपको बता दूं ये मदरबोर्ड कौन सा रैम सपोर्ट करता है। तो ये मदरबोर्ड रैम सपोर्ट करता है DDR3। इस मदरबोर्ड के अंदर आप मैक्स 16GB रैम ही इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। थर्ड जो कंपोनेंट मैं यूज करने वाला हूँ वो है रैम। तो मैं रैम कौन से यूज करने वाला हूँ, तो मैं रैम यूज करने वाला हूँ DDR3 की 8GB रैम, जो कि 1600 MHz पर क्लॉक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16GB रैम इंस्टॉल करिएगा, इससे आपको गेमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मेरा तो बजट टाइट है इसलिए मैं 8GB की रैम इसे यूज कर रहा हूँ। वैसे 8GB रैम भी आपको गेमिंग करवा देगी आज के टाइम में। और वहीं अगर मैं रैम के प्राइस के बारे में बात करूं तो 8GB सिंगल स्टिक आपको देखने को मिल जाएगा 1000 रुपए के अंदर में। तो फोर्थ जो लास्ट कंपोनेंट मैं यूज करने वाला हूँ वो SSD। तो मैं SSD यूज करने वाला हूँ 240GB की SSD। बाकी मेरे पुराने CPU के अंदर हार्ड डिस्क लगा ही था। तो यार जल्दी से इन सारे कंपोनेंट को अपने PC के अंदर इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे GT5 का, फ्री फायर का, माइनक्राफ्ट का, और ये सारे लाइव टेस्ट बिना GPU के होगा। तो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, जल्दी से इन सारे कंपोनेंट को अपने PC के अंदर इंस्टॉल करते हैं। Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. तो फाइनली गाइज हमारे सिस्टम बिल्ड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और मेरा सिस्टम भी ऑन हो चुका है। और यार मैं अपने सिस्टम के अंदर कई सारे गेम्स भी इंस्टॉल कर लिया हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं गेम प्ले लाइव टेस्ट करूंगा, तो अब उसका टाइम आ चुका है। हाँ मुझे पता है आप लोग इसी का बहुत देर से वेट कर रहे थे, बट अब उसका टाइम आ चुका है। बट यार गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सिस्टम का स्पेक्स आपको दिखा दे रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हो मैंने वही सेम प्रोसेसर इंस्टॉल किया था जो प्रोसेसर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। 8GB रैम भी शो हो रहा है, और लगे हाथ में आपको अपना ग्राफिक कार्ड भी दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पीसी के अंदर एक भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। इंटेल HD ग्राफिक्स के ऊपर मेरा सिस्टम रन हो रहा है, और इसी ग्राफिक्स के ऊपर हम लोग गेम खेलने वाले हैं। तो यार सबसे पहले जो गेम हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट, और ये गेम काफी ज्यादा स्मूथ रन हो रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। अराउंड 60+ FPS आ रहा है, और कभी कभी तो 70+ FPS भी जा रहा है, और आप इस पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो बिना किसी लैग के और विदाउट स्टटरिंग। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस गेम के साथ मेरा वो काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और नेक्स्ट जो गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है फ्री फायर, और इस गेम को मैंने रन किया है ब्लू स्टैक 5 के ऊपर, वो भी हाई सेटिंग्स पर। बाकी ओवरऑल जो गेम है वो काफी अच्छे FPS दे रहा है,
मतलब कि आप गेम को खेल सकते हो इतने FPS दे दे रहा है। थर्ड और जो लास्ट गेम मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो आप सभी का फेवरेट गेम है, तो यार गेस करो कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता ही देता हूँ, तो वो है GTA 5। और इस गेम को मैंने रन किया है लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर, और इस गेम के अंदर हमें 20+ FPS दिखने को मिल जा रहे हैं, मतलब कि आप गेम को खेल सकते हो। और इस गेम को मैंने इसी सेम PC के ऊपर पूरा कंप्लीट किया है विदाउट ग्राफिक कार्ड, तब मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी नहीं था। अगर आपका GTA 5 खेलने का बहुत ज्यादा मन करता है तो ये PC आपका ये ड्रीम कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप इसके साथ एक डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो, सेकंड हैंड में 5000 का कोई सा भी एक ग्राफिक कार्ड अगर इसके साथ आप पेयर करते हो, तो आप 35,000 तक के PC को टक्कर दे सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सा ग्राफिक कार्ड इसके साथ पेयर करना चाहिए सेकंड हैंड में। RX 570, RX 580, GTX 1650, ये सारे ग्राफिक कार्ड अगर आप इसके साथ पेयर करते हो ना, तो आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर लोगे। और मैंने खुद ऐसा ही सेम PC बिल्ड किया है और इसके साथ मैंने पेयर किया है GTX 1660 Super, और मैं 1080p लेवल की गेमिंग आराम से कर लेता हूँ। और मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही होगी। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई सा भी कंफ्यूजन है तो अपने इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।